मेरे साथ में लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट और उम्मीदवार यंग फेस एहसान परदेसी मौजूद है इस बार लालचौक में मौजूद है। एहसान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि आप बिजी है अपनी कैंपेन के साथ, लेकिन फिर भी वक्त दे रहे हैं। अभी तक आप नौजवानों से मिले, जगह जगह पर गए, मैं ये नहीं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है, लेकिन ये ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, किस बात की अर्जी लगा रहे हैं? जिस जहाँ जहाँ मेरा एक पब्लिक अप्रोच, पब्लिक आउटरीच होता है, हर एक लोग का, बिल्कुल सुस लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के में जहाँ जहाँ मैं गया, एक कॉमन बात है सब में आज, कि वो इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जो है निकलना चाहता है, इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से निकलना चाहता है। ये जो पॉलिटिकल टर्माइल यहाँ पे पैदा किया गया है 2014 के बाद, बिल्कुल सुस 2019 के बाद जो पॉलिटिकल टर्माइल यहाँ पे पैदा किया गया है, लोग आज चाहते हैं कि हम अपना वोट कास्ट करें और वो इस सियासी टर्मोइल से बाहर निकलना चाहते हैं। एहसान, जहाँ तक लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, हर एक जगह पर आप घूमे, लेकिन ओवरऑल अगर सियासत को लेकर देखें, कल जैसे इंजीनियर रशीद बाहर आए तो सीधे उन्होंने जो है दो लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें या उमर अब्दुल्ला को, यानी कि उमर अब्दुल्ला के लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप लोगों को दफनाने के लिए कश्मीर में ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो एहसान परदेसी, बींग एज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ ये कहना चाहेगा जिस तरीके से खुलेआम आकर ही सीधे पहले उमर अब्दुल्ला के ऊपर बरस पड़े हो? जैसा आप कहते हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बिल्कुल वो इस बात की अकासी करता है कि वो स्टेटमेंट शायद मेरे ख्याल से उनको डिक्टेशन में मिला होगा, और ये कहा उनको कहा गया होगा कि कश्मीर आते, कश्मीर में अरेवल के बाद जो पहली बात आपको ये करनी है, यही बात करनी है कि उन्होंने पहली बार लोगों की नहीं की, पहली बात आवाम की नहीं की, पहला अटैक डायरेक्टली अगर उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस था या महबूबा मुफ्ती जी थी, उसका यही साफ मतलब निकलता है कि वो यहाँ पे लोगों की बात करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलाने आए हैं। तो ऐसा जहाँ तक इंजीनियर रशीद, क्या लगता है जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि जनाब हमें केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की रीजनल पार्टी, जैसे पीडीपी भी उमर अब्दुल्ला ने मेंशन किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें, उनके वोट्स को डिवाइड करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रॉक्सीज खड़े किए? आप मेरी बात सुनिए, ये आपके मीडियम से मैं पूरी कश्मीर की आवाम को, न कि लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को, पूरे कश्मीर के आवाम को कहना चाहता हूँ कि आज ये लड़ाई है नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस ऑल। आज कश्मीर के लिए एक अकेले एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी तमाम साइड से जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो बिल्कुल सुस वो तंजीमें जो मरकज के इशारे पर चल रही हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से, किस महज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया जाए और किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत साजी में, हुकूमत बनाने में रुका जाए। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त ही फैसला करेगा। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि कल क्या था, कल क्या ड्रामा था, आज की हकीकत क्या थी। ये हकीकत इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैलेट बॉक्स के ज़रिए बयान होगी और लोग फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही होगा इंशाल्लाह। एहसान, जिस तरीके से देखे बीजेपी की, जहाँ तक सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे जो है कश्मीर जन के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं। तो पीएम का कैंपेन के लिए खसूसी तौर पर कश्मीर जन में आना या कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करना, इस चीज़ को आप कैसे देखोगे? अपनी पार्टी के लिए बीजेपी का कैंपेन करना कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट में बीजेपी ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था कि हम मैदान में नहीं हैं, हमारे बल्ले मैदान में जो है वो बैट है, अब अपनी पार्टी है। तो ठीक है, तब आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से उनकी शिकस्त जो थी यकीनी हो गई थी, दोबारा आ रहे हैं, उनकी शिकस्त में जो है वो चार चांद ही लग जाएंगे। आपका एक अल्फाज कोट जो बड़ा ज़बरदस्त फेमस है कि जनाब तब भी जमानत जब्त थी, आज भी होगी, ये मतलब थोड़ा सा इस पे बात करना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो इस बात में नाराज़ होते हैं, नाराज़ होने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, एक टेक्निकल टर्म है, अगर आपकी वोटिंग परसेंटेज एक जितना टर्नआउट आपका वोटिंग डे में हो जाता है, अगर आपको उतनी वोट नहीं आते हैं, इसका मतलब होता है टेक्निकली कि आपकी जमानत जब्त हो गई है। मैंने बार बार यही कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के अवाम ने सिर्फ दो महीने ही पहले, अभी दो तीन साल नहीं हुए, दो महीने पहले ही अपना एक पॉलिटिकल फैसला वो सुना दिया था, जिसमें अपनी पार्टी की भी जमानत जब्त हुई थी, पीडीपी की भी जमानत जब्त हुई थी। तब हमने 15,500 की लीड ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल माई कॉन्फिडेंस, विद ऑल माई हम्बलनेस,
मैं ये कहता हूँ कि तब से हमने अपने वोटों में इतना इजाफा किया है जितना उन दोनों को मिला के जो वोट शेयर था उससे ज़्यादा हमारा वोट बैंक जो है बढ़ चुका है आज की डेट में। तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवरऑल कहाँ नजर आएगी पूरे इलेक्शन में, जनरल क्वेश्चन में, नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि क्या कितने, बिल्कुल पर्टिकुलरली J&K की अगर पूरी बात करें, कितने सीट पे लड़ रही है NC को लग रहा है कि मेहनत कर पा रही है, हासिल कर पाएगी? नंबर्स बताना मुश्किल है, लेकिन यकीनी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन J&K एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी इन दैट स्टेट इन दैट पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रशीद का इफेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होगा? छोड़िए, आप क्या बार बार से बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे एहसान परदेसी, यंग फेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिसे सबसे टफेस्ट कंटेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला है वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने सवालात किए, जवाब आपके सामने हैं। मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।